हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अभी छवि आ रही है खेल के, बाहर गई थी खेलने। तो आज मैं कोई रेसिपी और कोई रूटीन नहीं लेके आई हूँ। आज मैं अपने जो गेट के पास का एरिया है ना, मेरा बरामदा कहिए, गाँव में बरामदा ही बोला जाता है। तो छवि अपनी मेहंदी दिखा दो, पहले आप छवि की मेहंदी देख लीजिए। आओ इधर आओ, मैंने लगाया है इसे, ये देखिए। तो उसको डेकोरेट करने जा रही हूँ। कुछ मैंने मतलब बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया है। ये नहीं छू, ये स्टिकर्स हैं फ्रेंड्स, और ये स्टिकर मैं 3 साल पहले लेके रखी थी उसी बरामदे के लिए, पर इस साल पुट्टी हुई है तो पुट्टी पे ही ये लगती है तो अच्छी लगती है। तो अभी मैं चल रही हूँ उसे डेकोरेट करने, और फिर मुझे आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और कोई बाहरी मतलब शॉपिंग मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसे कि फ्लावर वगैरह सब मेरे पास पहले से ही था, तो मैं उसी से आज डेकोरेट करूंगी, मेकओवर करूंगी अपने गेट के एरिया का। तो चलिए चलते हैं, वीडियो बातें लंबी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही सारे स्टिकर्स हैं, इन्हीं को मैं लगाऊंगी, और चलिए लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ इस तरीके से दीवार जो है, सारी दीवार खाली है, और यहाँ पे मैंने घोड़ों की तस्वीर लगाई है साथ, और ये जो फ्लावर मैंने अंदर लगाए थे ना, इन सबको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और जो मिरर रूम में था उसे मैंने यहाँ कर दिया है, ये देखिए। और ये कॉम्ब स्टैंड भी मैंने यहाँ रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुपेश का साइकिल यहाँ पे है, यहाँ मनी प्लांट रखा हुआ है, ये मनी प्लांट रखा हुआ है, और ये मैंने, इसका नाम मुझे नहीं पता है, सो प्लांट है तो इसे मैंने लगाया है। तो फ्रेंड्स ये वाला स्टीकर जो है ना, ये मनी प्लांट है, और ऐसा मैंने 2 स्टीकर मंगाया था। और अभी मैं एक गेट के फ्रंट पे लगाऊंगी, और एक जो मेरा दरवाज़ा है उसके बगल में लगाऊंगी। तो ये जो है ना, ये फुल दिया रहता है कि 1 नंबर कहाँ से लगाना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, जितना भी नंबर होता है ना, मतलब 12 हो या 15 हो, वहाँ तक ये दे देता है कि किस तरीके से हमें फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है, आप देख सकते हो। तो इसी को देख के ना हमें लगाना होता है स्टिकर को। तो मैं इसी जो दिया हुआ है ना, ये छोटा सा मतलब डेमो, मैं इसी को देख देख करके लगाऊंगी। तो अभी देखिए मैं फर्स्ट नंबर का जो स्टिकर है ना वो निकाल रही हूँ, तो इसे ऐसे ही निकाल कर और मैं दीवार पर पेस्ट कर दूंगी, ये देखिए। और बस छवि लेके खड़ी थी, मैं छवि को बोली कि यहाँ पे लेके तुम रहो, मैं देख देख के उसे लगाती रहूँगी, क्योंकि थोड़ा ये मुश्किल होता है लगाने में, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए ना तो वो खूबसूरती नहीं आती है जो मतलब रहती है इसमें। तो वही देखिए मैं कितनी सावधानी से इसे लगा रही हूँ, और लगने के बाद फ्रेंड्स ये बहुत सुंदर था। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, शायद 3-4 साल हो गया है मुझे, उस समय फ्लिपकार्ट पे स्टिकर पे भारी छूट था। जो स्टिकर मतलब 150 का था वो उस समय 65 रुपये में, 70 रुपये में ऐसे ही था कुछ प्राइस इसका, तो उसी समय का मैंने लिया था इसे। और तब से मैं रखी थी कि जब घर में पुट्टी हो जाएगी तो लगाऊंगी, क्योंकि पुट्टी पर ही ये अच्छा लगता है। तो अभी पुट्टी हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो अब लगा देती हूँ। तो अभी देखिए बारी बारी करके मैं सारे नंबर क्या कहते हैं, छोटे वाले डेमो में देख देख करके लगाती जाऊँगी। और ये लगने के बाद सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा, मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना प्यारा लग रहा था ये। ऐसे मैंने 2-3 स्टिकर मंगाया था, 2 तो मनी प्लांट का मंगाया था, एक जो है वो तितली थी और थोड़ा सा ग्रास था वो मैंने मंगाया था, ये वाला स्टिकर। तो इसे भी मैं लगा देती हूँ अब। और फ्रेंड्स ये वाला भी लगने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसे भी मैंने 2 मंगाया था। और ये मैं सोच रही थी ना कि जो कॉर्नर है वहाँ से लगाऊँ, पर पानी वानी अगर कभी नल खुलता ना तो वहाँ से ये स्टिकर छोड़ देता, इसलिए मैंने 1-1.5 बित्ता छोड़ के वहाँ से लगाना स्टार्ट कर दिया था। और ये भी लगने पे बहुत खूबसूरत लग रहा था, रुपेश रिकॉर्डिंग कर रहा था और छवि भी हेल्प कर रही थी, और रात के जो है ना इसमें 11 बज रहा था। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे है, यानी कि दिवाली वाला दिन है। तो अभी मैं गेट को डेकोरेट कर रही थी,
और ये जो है ना लटक रहा था, मैं वही देख रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। जब हस्बैंड उठेंगे तो वो उसे ठीक करेंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ, जो आर्टिफिशियल लीव है ना मनी प्लांट के, उसे इस वास में लगा के, और मैं हैंगिंग वाले वास में लगा के इसे बाहर हैंग करूँगी, तो वही मैं अभी इसे सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, दिवाली जो है ना वो आती है तो काफ़ी सारे जो है मतलब काम भी लेके आती है, बिल्कुल थकान भरा दिन रहता है, बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, थोड़े थोड़े काम ही कर रही थी पर बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, अभी मैंने सोचा कि पहले मैं मेकओवर कर लेती हूँ गेट का, फिर उसके बाद से मैं किचन में जाऊँगी। बच्चों को तो नाश्ता करा ही दिया है, बट मैंने इसमें नाश्ते का जो क्लिप है ना वो नहीं इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट जो दिवाली का ब्लॉग आएगा उसमें मैं जो नाश्ता कराई थी बच्चों को वो सारे क्लिप उसमें मैं ऐड करूँगी। इसमें मैंने सोचा कि सिर्फ मैं मेकओवर का ही डालती हूँ। तो अभी देखिए मेरा जो हैंगिंग वाला बास्केट है वो सज गया है, और रुपेश इसे यहाँ पे हैंग कर दे रहा है, और ये बहुत सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितना अच्छा ये बाहर से लग रहा था ना मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, और अभी मैं दूसरा बास्केट भी मनी प्लांट से सजा देती हूँ।